दोस्तों, जब टेक्नीशियन साइट पर जाते हैं किसी भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए, तो जब उसमें कोई कंप्रेशर का फॉल्ट होता है तो कंप्रेशर ख़राब है या सही है उसको जस्टिफाई करना बहुत दिक्कत का काम हो जाता है, क्योंकि टेक्नीशियन को नया कंप्रेशर उसमें लगाकर फिर चेक करना, अगर नया कंप्रेशर लगाकर चेक किया और फिर पीसीबी में कोई फॉल्ट निकला तो फिर और भी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशर को चेक करने के लिए हमने टेस्टर किट बनाया है, जिसके ज़रिए से आप विद इन अ मिनट आप जस्टिफाई कर सकेंगे कि हमारा इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेशर सही है या ख़राब है। और आप किसी भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, एसी एंड वॉशिंग मशीन के पीसीबी का जो यूवीडब्ल्यू आउटपुट है कंप्रेशर को चलने के लिए, वो भी आप इस टेस्टर किट से डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारे कंप्रेशर को चलने के लिए पीसीबी से यूवीडब्ल्यू सही से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस टेस्टर किट के कनेक्शन को कंप्रेशर के साथ कैसे करना है और कंप्रेशर को विद इन अ मिनट आप कैसे चेक कर पाएंगे, वो भी इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर हमारा इस वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना है, तो हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट किया है और हमारे कंप्रेसर के यूवीडब्ल्यू के बीच में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी सही आ रहा है। फिर बारी बारी तीन टर्मिनल है यूवीडब्ल्यू के टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो हमारे कंटिन्यूटी तीनों में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों जो हमारे मेन चेक करना है वो हमारे यूडब्ल्यू टर्मिनल के बीच हमारा बॉडी लीकेज ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये बॉडी का पार्ट्स है तो यहाँ पर हम एक प्रॉप को फिक्स कर देंगे और बारी बार यूवीडब्ल्यू के बीच में क्वांटिटी चेक करेंगे। और मल्टीमीटर में आप जैसे देख रहे हैं कुछ भी रीडिंग नहीं आया है, तो इसका मतलब कि हमारा जो कंप्रेशर का यूवीडब्ल्यू वाइंडिंग है उसके बीच में और बॉडी के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारा कंप्रेशर टेस्टर किट से चेक करने के लायक है। तो अब इसको टेस्टर किट के कनेक्शन को कंप्रेशर से कैसे लगाना है, इसके लिए हम एलिगेटर क्लिप और ए मेल जैक पिन का यूज़ करेंगे। तो एलिगेटर क्लिप को यहाँ पर लगा देना है वन बाय वन। ये हमारे एलिगेटर क्लिप यूवीडब्ल्यू से लग गया कंप्रेसर से। फिर हमारा जो मेल पिन है उसको बारी बारी उसमें इंसर्ट कर देना है दोस्तों। ये हमारा टेस्टर किट से कंप्रेसर के बीच का कनेक्शन हो गया। तो किसी भी कंप्रेसर को अगर टेस्ट करना है तो आप इसी तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सप्लाई देकर कंप्रेसर को चेक करेंगे कि हमारे टेस्टर किट के थ्रू कंप्रेसर कैसे इंस्पेक्ट करना है, कैसे चेक करना है, वो आपको बताएंगे। तो हमने ये 220 यहाँ पर अप्लाई किया है केबल के थ्रू। अब मशीन को सप्लाई देने के लिए हम सबसे पहले S1 वाला स्विच को ऑन करेंगे। जैसे S1 वाला स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पावर ऑन वाला इंडिकेटर जो है LED चालू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो LED हमारा चालू है। ठीक है, ये कांस्टेंट चालू रहेगा लेकिन मोबाइल में आपको ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जब हम S2 वाला स्विच ऑन करेंगे तो
तो हमारा जो LED 1 है उसमें एक बार सप्लाई आकर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इस टेस्टर किट के अंदर अंदर सप्लाई आ गया है कंप्लीट। फिर जब हम S3 वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा LED 2 ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर अपनी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट करेगा और कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अगर चालू नहीं होता है तो हमें इस फ्रीक्वेंसी के पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। तो हम S3 को चालू करेंगे और देखेंगे दोस्तों, और थोड़ा वेट करेंगे हमारा कंप्रेसर चालू होने का। अगर चालू नहीं होता है तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, इतना सेट करना है कि हमारा कंप्रेसर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करके कंप्रेसर चालू हो जाए। तो हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है, आप जैसे देख रहे हैं। तो कंप्रेसर का आवाज़ भी सुनाई रहा है आपको, और हमारा यहाँ से प्रेशर भी बन रहा है दोस्तों। तो आप इस टेस्टर किट के जरिए से आप किसी भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चेक कर पा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी देर तक हमारा कंप्रेसर चल रहा है, तो आप इसी तरीके से किसी भी कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। प्रेशर भी हमारा अच्छी तरीके से बन रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हम इसको पहले S3 को ऑफ करेंगे, फिर S2 को ऑफ कर देंगे और S1 को ऑफ कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसीजर है दोस्तों।